हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एसआई एजुकेशन। आज हम करेंगे सिक्स क्लास की संस्कृत की किताब रुचिरा का आठवां चैप्टर सूक्तिस्तव का। इसका मतलब है सूक्तियों का गुच्छा। तो सु माने होता है अच्छा, उक्ति माने होता है वचन। तो दो शब्दों से मिलकर बना है सुधन उक्ति, मतलब अच्छा वचन। तो उक्ति है वो मूल शब्द है और सु है वो क्या है, उपसर्ग है। तो सु उपसर्ग लगाकर बना है सूक्ति। तो यहाँ पर क्या है, संस्कृत साहित्य की कुछ सूक्तियाँ हैं, उनका संकलन है। आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। बालादपि गृहीतव्यम् युक्तम् उक्तम् मनीषिभि रवेर विषये किम् न प्रदीपस्य प्रकाशनम्। बालादपि, तो बालादपि बच्चे से भी गृहीतव्यम् माने ग्रहण कर लेनी चाहिए। युक्तम् उक्तम् मनीषिभि, युक्तम् माने अच्छी बात, उचित बात, जो उचित बात है वो बच्चे से भी ग्रहण कर लेनी चाहिए। उक्तम महिष भी ऐसा विद्वानों के द्वारा कहा गया है। रवेर विषय, रवे धन अविषय, रवे माने सूरज, सूरज की अनुपस्थिति में, अविषय माने अनुपस्थिति में या ना होने पर, सूरज के ना होने पर। किम ना प्रदीपस्य प्रकाशनम्, क्या नहीं होता है, प्रदीपस्य माने दीपक का प्रकाश, क्या सूरज की अनुपस्थिति में दीपक का प्रकाश नहीं होता है, अर्थात होता है। तो मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है, वो भी कोई उचित बात कह रहा हो, अच्छी बात कह रहा हो, तो उसको ग्रहण कर लेनी चाहिए। क्योंकि देखा है कि सूरज अगर नहीं होता तो क्या होता है, हम जलाते हैं दीपक तो उससे भी रोशनी हो जाती है। तो मूर्ख व्यक्ति है, वो भी कभी कभी उचित बात कह देता है। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि अच्छी सीख चाहे मूर्ख से भी मिले तो भी हमको ले लेनी चाहिए। तो इसको आप रोज आर्डर में रख लीजिए, अन्वय बना लीजिए इसका। बालात अपि युक्तम गृहीतव्यम मनीष भी उक्तम, बालात अभी बच्चे से भी युक्तम उचित बात ग्रहण कर लेनी चाहिए, ऐसा मनीष भी उक्तम, ऐसा विद्वानों के द्वारा कहा गया है। किम रवे, क्या सूरज के अविषय, अविषय माने अनुपस्थित होने पर, प्रदीपस्य प्रकाशनम् न भवति, प्रदीपस्य दीपक का प्रकाश नहीं होता, अर्थात होता है। पुस्तके पठता पाठा जीवने न एव साधिता किम भवे तेन पाठेन जीवने यो न सार्थिका। पुस्तके पठता पाठा जीवने न एव साधिता, यदि पुस्तक में पढ़ा गया पाठ, यदि छुपा हुआ है, पुस्तके पढ़ता पाठा पुस्तक में पढ़ा गया पाठ, यदि पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवने न एव साधिता, जीवने माने जीवन में, न एव माने ना ही, जीवन में ही साधिता साधित नहीं हुआ, काम में नहीं आया, नहीं अपनाया गया। तो पुस्तक में पढ़ा गया पाठ यदि जीवन में नहीं अपनाया गया, किम भवेत तेन पाठेन, किम भवेत माने क्या लाभ, तेन पाठेन उस पाठ का, जीवनो यो न सार्थका जीवन में सार्थक नहीं, तो जो पाठ जीवन में सार्थक नहीं उस पाठ का क्या लाभ। तो इसका अन्वय होगा पुस्तके पठता पाठा जीवने न साधिता, पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में नहीं अपनाया गया, किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थका, तो या पाठे या जीवने सार्थका न, जो जीवन में सार्थक नहीं है, तेन पठेन किम भवेत, तो उस पाठ को पढ़ने से क्या लाभ। तो इसमें बताया गया है, इसका भाव यह है कि पुस्तक में पढ़ी हुई बातों को हमें जीवन में भी अपनाना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यंती मानवा, प्रिय वाक्य प्रदान करने से सर्वे तुष्यंती मानवा, सभी मनुष्य प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मात प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए अच्छे वचन ही बोलना चाहिए, प्रिय ही बोलना चाहिए। बचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी कंजूसी, तो मतलब सब मनुष्य प्रिय वचन कहे जाने पर प्रसन्न हो जाते हैं, इस कारण मधुर वचन ही बोलने चाहिए। तो बाड़ी के उपयोग में कंजूसी क्यों की जाए, अर्थात उदार होकर अधिकाधिक, मतलब बहुत अधिक हमें क्या करना चाहिए, मधुर बाड़ी का प्रयोग करना चाहिए। भाव क्या है इसका, कि मीठे बोल जो होते हैं सबको प्रसन्न रखने का एकमात्र सरल साधन है। तो सबको अगर प्रसन्न करना है तो हमें मीठे वचन बोलने चाहिए, मीठे बोल बोलना चाहिए। तो इसका अन्वय होगा, इसको प्रोज ऑर्डर में रखेंगे, सर्वे मानव प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यंती, सभी मनुष्य प्रिय वाक्य प्रदान करने से संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात, इसीलिए प्रियम ही वक्तव्यम, प्रिय ही बोलना चाहिए। बचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी दरिद्रता, कैसी कंजूसी। गच्छन पिपील को याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन बैंतेयोपि पद्मेकम नागच्छति। तो गच्छन पिपील को चलती हुई चींटी योजना नाम शतान्यपि याति, 100 योजन तक भी चली जाती है। योजन क्या होता है, एक दूरी की माप होती है, और शतान माने 100 योजन, मतलब 100 से कई 100। तो चलती हुई चींटी 100 योजन तक भी चली जाती है अगच्छन, लेकिन न चलता हुआ बैंतेयोपि,
बेंतेहा धन अपि न चलता हुआ गरुड़ भी पदमेकम न गच्छति, एक कदम भी नहीं चलता, एक कदम भी नहीं जाता, अर्थात आगे नहीं बढ़ता। तो भाव क्या है कि प्रयास करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, अन्यथा नहीं होते। तो इसको प्रोज ऑर्डर में रखिए, अनुभव बनाइए इसका। गच्छन पिपील का शतानी योजना नाम अपि याति, चलती हुई चीटी 100 योजन तक भी चली जाती है। अगच्छन बेंतेहा अपि एकम पदम न गच्छति, अगच्छन माने न चलता हुआ, बेंतेहा गरुड़ भी एक कदम भी नहीं जाता, एक कदम भी नहीं बढ़ता। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब हम प्रयास करते हैं तभी हमारा काम सिद्ध होता है, अन्यथा हमारा काम सिद्ध नहीं होता। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदापि काकयो बसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः कृष्णः कौआ काला होता है, पिकः कृष्णः कोयल काली होती है, को भेदा क्या भेद है, पिक काकयो कौवे कोयल में और कौवे में, तो पिक माने कोयल, काकयो माने कौआ। तो कौआ काला होता है, कोयल भी काली होती है, अपि छिपा हुआ है यहाँ पर, कौआ काला होता है, कोयल भी काली होती है, कौवे और कोयल में, कोयल और कौवे में क्या भेद है। बसंत समय प्राप्त है, बसंत ऋतु आने पर काका काका पिका पिका, कौआ कौआ होता है, कोयल कोयल होती है। इसका मतलब ये है कि बसंत ऋतु आने पर क्या होता है, जब दोनों बोलते हैं तो पता चल जाता है कि कौन कौआ है और कौन कोयल है। अब इसका आप अन्वय कर लीजिए, प्रोज ऑर्डर में रख लीजिए इसको। काका कृष्णा पिका अपि कृष्णा, अपि ब्रैकेट में लिखेंगे, कृष्णा अस्ति, तो जो कौआ होता है वो काला होता है, पिका अपि कोयल भी काली होती है, है अस्ति माने है, तो ब्रैकेट में अस्ति। पिक काकयो का भेदा, पिक माने कोयल में और कौवे में क्या अंतर है, का भेदा क्या अंतर है। बसंत समय प्राप्त है, बसंत ऋतु आने पर काका काका कौआ कौआ होता है, पिका पिका कोयल कोयल होती है, ब्रैकेट में इति भेदा स्पष्टा भवति, ये भेद स्पष्ट हो जाता है। तो इसका भाव क्या है, इसमें क्या कहना चाहते हैं कि बाह्य आकार के आधार पर हमें नहीं बता सकते कि कौन कैसा है, आंतरिक गुणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, किंतु समय आने पर आंतरिक गुण भी प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो गया बच्चों, आप इसको अच्छे से समझ के याद कर लीजिए। हमारे चैनल असा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।